नमस्ते दर्शकों, मैं कृतिका शाह सीबीसी न्यूज प्रतापगढ़ में आपका स्वागत करती हूं। तो आज दिन है मंगलवार और दिनांक है 27 दिसंबर 2022। आज मैं लेकर आई हूं प्रतापगढ़ शहर की टॉप 5 खबरें। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट उपखंड मुख्यालय पर NH 56 पर रोड पर अतिक्रमण चल रहा था, जिसके चलते दो ट्रोले टकरा गए, जिसके बाद लोगों का जमावड़ा सड़कों पर लग गया। तुरंत ही घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने आकर मामले को संभाला। इसके बाद पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है। हादसे में दोनों ट्रकों के कांच टूटकर चकनाचूर हो गए। आपको बता दें कि हादसे में कई जनहानि नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि सकड़ी सड़क होने की वजह से दोनों में पीड़ित हुई है। प्रतापगढ़ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल प्रतापगढ़ में TSP क्षेत्र में ANM के पद बढ़ाने और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा करवाने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दरअसल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर की ओर से हाल ही में पूरे प्रदेश में 1155 ANM की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें TSP पद के लिए केवल 108 पद ही आरक्षित किए गए थे, जिसके लिए आज महिलाओं ने मिलकर कलेक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक और ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल हाल ही में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लीक मामले की CBI जांच की मांग और साथ ही शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि बार बार भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने की वजह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करो, अन्यथा युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। प्रतापगढ़ में घरेलू गैस सिलेंडर के भंडारण को लेकर अब प्रतापगढ़ में प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। दरअसल प्रतापगढ़ में कई सारी जगहों पर गैस का अवैध भंडार था, जिससे बड़े हादसे होने की संभावना थी। जोधपुर में हुए गैस हादसे के बाद अब प्रशासन जाग गया है, जिस पर जिला रसद विभाग के कर्मचारी और नगर परिषद के कर्मचारी के द्वारा शहर की कई सारी बड़ी जगहों पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने एक साथ 50 से भी ज्यादा सिलेंडरों को जब्त किया है। प्रतापगढ़ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जन आक्रोश सभा में आए थे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ निशाने साधते हुए कहा कि राजस्थान के कांग्रेस सरकार के मुखिया और उनकी पार्टी के बीच कुर्सी को लेकर पिछले 4 साल से चल रही लड़ाई ने राज्य को पीस कर रख दिया। भर्ती परीक्षाओं के नाम पर माफियाओं के मध्य से हर परीक्षा के पेपर लीक करवाकर बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य में हर तरफ अत्याचार, हिंसा से व्यवस्था बदहाल है।